हाँ जी, अभिनंदन है जी सभी का कृषि भाट चैनल पर। आप जो ये पेंसिल देख रहे हैं ड्रॉ करने के लिए, वो ग्लास मार्किंग पेंसिल है, बहुत सॉफ्ट चलती है। इसी से आपने जो है डिजाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये ग्रे कलर का सूट है, इसलिए हम व्हाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। इस पर एक काली पेंसिल जो है, ब्लैक पेंसिल, वो दिखाई कम देती है, इसीलिए हमने सभी डिजाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें कलर्स फिल करेंगे। जैसे अब वीडियो में देख रहे हैं कि व्हाइट कलर हमने ऊपर वाली साइड लगाकर उसके बीच में जो है रेड कलर लगाया है, और उसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे। इसी तरह से हमने सारी पत्तियों में ऐसे ही रेड और वाइट की मिक्सर से मिक्सिंग करनी है कलर से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरी पत्तियों की भी रेड कलर और वाइट कलर से मिक्सिंग करेंगे। ये सर्दियों वाला सूट है, इस पर हम जो पेंटिंग कर रहे हैं, ये किसी ने दिया कि हमें सर्दियों वाले सूट पर ही पेंटिंग करवानी है, तो हमने उसी पर पेंटिंग कर दी। और इसी तरह से हमने दूसरी पत्तियों में भी वाइट कलर और रेड कलर लगाकर अच्छी तरह से उसे मिक्स कर देना है, ताकि दोनों कलरों का जो अलग अलग कलरों का रंग है, वो एक एक तरह ही घुल जाए, वो दिखे ना। सारी पत्तियां हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया कीजिए, ताकि हमें हौसला मिले और हम इससे भी अच्छी और वीडियो लेकर आएं। क्योंकि हम इसमें सभी को सिखा रहे हैं, इसमें कोई हम ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा सिखा के बंद कर दें। आपको जितने भी हमें डिज़ाइन दिखाए हैं अभी तक, सभी में हमने अच्छी तरह से सिखाया है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं हमसे। ये हमने हमारे सब्सक्राइबर की जो डिमांड थी कि बिना अड्डे के या बिना फ्रेम के सूट आप कैसे पेंटिंग कर सकते हैं, वैसे सिखाइए। हमने एक टेबल लेकर उस पर एक आप चादर या कोई भी कपड़ा, वेस्ट कपड़ा, मोटा कपड़ा बिछा सकते हैं, उसे तीन चार लड़ तय करके, और उसके बाद उस पे आप सूट रख लीजिए, जो भी है आपका दुपट्टा या सूट। इस तरह हम बिना फ्रेम के और बिना स्टैंड के सूट पेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने बीच वाली पत्तियां हैं जो, वो बनानी है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम आपको जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं, उन पर भी पेंटिंग करनी बताएंगे। प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और हम अच्छी तरह से सिखा सके, हमारा हौसला बढ़े। इसलिए हमने ये, देखिए सर्दियों वाला सूट है, इस पर हमने आपको पेंटिंग करनी सिखाई है। और जब भी आप कोई भी कपड़ा हो पेंटिंग किया हुआ, ये हम जीरो ब्रश ले रहे हैं, जीरो नंबर है। आप कोई भी कपड़ा हो पेंटिंग किया हुआ, जब आपने उस पर आयरन या प्रेस करनी है, तो उसे आप
बैक साइड पर ही प्रेस करनी है, चाहे वो लॉन लगा हुआ कपड़ा हो या सिंपल कपड़ा ही हो, तो आपने उसको बैक साइड से ही प्रेस करनी है। ये बात का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी कपड़ा हो, चाहे वो सर्दियों वाला हो पेंटिंग किया हुआ या गर्मी वाला कॉटन का कपड़ा हो, उस पर बैक साइड से ही आपने पेंटिंग किए हुए पर आपने प्रेस करनी है। अगर आप सीधे पर प्रेस करोगे तो वो प्रेस की जो हीट होती है गर्म प्रेस की वजह से वो आपका जो पेंट किया हुआ डिज़ाइन है वो ख़राब हो सकता है कपड़ा वहाँ से। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप बैक साइड से ही पेंटिंग किया हुआ कपड़ा प्रेस करें। और बीच में हमने देखिए वाइट कलर के ही फूल का बूर बना देना है। इसी तरह से हमने आउटलाइन कर देनी है वाइट कलर से ही, और दूसरा फूल भी इसी तरह से बनाएंगे हम। अब हम आपको पत्तियां और कलियां बनानी बताएंगे। अब हमने वाइट कलर और जो सैप्रीन कलर होता है उससे दोनों कलरों को मिक्स करके एक पास्ता कलर बनाया है, लाइट जिसे ग्रीन कह सकते हैं हम, लौकी कलर भी कह सकते हैं हम, लौकी का कलर होता है जैसे, वैसा कलर हमने बना लिया है। क्योंकि ये डार्क सूट पर है, अगर डार्क कलर के सूट पर हम सैपग्रीन कलर ही लगाएंगे तो वो ज़्यादा काला दिखाई देगा, ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा बीच में वाइट डालकर उसे पत्तियों का जो कलर है उसे लाइट किया है। इस तरह से हमने सारी पत्तियाँ कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाहर वाली साइड है जो पत्तियों की, उसमें हमने वाइट की आउटलाइन कर देनी है, क्योंकि ये ब्लैक कलर यानी कि डार्क कलर का सूट है इसमें, इसीलिए हमने बाहर वाली साइड पत्तियों की डार्क कलर की सूट की वजह से हमने आउटलाइन की है कि ये डिज़ाइन अच्छा लग सके। और वो सूट भी तो गर्म है, कपड़ा गर्म है, इसलिए जो बाहर वाली साइड है पत्तियों की उसमें थोड़ी फिनिशिंग आनी ज़रूरी है। इसी तरह से हमने सारी पत्तियां जो हैं डिज़ाइन की कंप्लीट कर लेनी है। और अब हम आपको कली बनानी बताएंगे। अगर आपने सूट पर हल्का डिज़ाइन डालना है, ज़्यादा भारी नहीं बनाना है आपने पेंटिंग करके सूट, तो आप इस डिज़ाइन इस तरह के डिज़ाइन डाल सकते हैं जो बॉर्डर पे आते हैं और हल्के फुल्के होते हैं, वो अच्छे भी लगते हैं गर्मियों में। और पर ये तो सर्दियों वाला सूट है, किसी ने डिमांड की थी कि हमें सर्दियों वाले सूट पे पेंटिंग करके दिखाएं, और उन्होंने ये सूट हमारे से तैयार करवाया है। इसी तरह से हमने जो कलियां हैं वो बनानी है। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कलियों कली बनाते हुए हमें किस तरह से हमने कली बनाई है। ऊपर वाली साइड हमने थोड़ा सा लाइट कलर लगाया है वाइट कलर, और नीचे वाली साइड है जो कली की उसे हमने थोड़ा सा डार्क कलर रखा है। इसी तरह से हमने जो कलियां हैं सारी सारी कलियां इसी तरह से कंप्लीट करनी है। और जो इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं अब हम आपको वो बनानी बताएंगे। इसी तरह से हमने ग्रीन कलर से पत्तियां बनानी है। पहले बीच वाली पत्ती बनाई है हमने, अब साइडों वाली पत्तियां जो होती हैं कली के वो हमने बनाई हैं। इसी तरह से सारी कलियां हमने ऐसे ही बनानी है।
और हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पत्तियों में आप सिंपल रखना चाहें तो जैसे पत्तियां आपको वीडियो में दिखाई दे रही हैं वैसे भी रख सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं रखना है पत्तियों को सिंपल, आपने रेशे डालने हैं उनमें, तो आप वाइट कलर से या जो हमने लाइट कलर, कोई भी लाइट कलर हो उससे भी आप पत्तियों में जो है रेशे डाल सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि जो सीखना चाहते हैं, जिनको दिलचस्पी है पेंटिंग में, उन तक वीडियो पहुंच सके। क्योंकि कई बार हमने देखा है वीडियो देखते रहते हम भी, सिखाते कम हैं और जो है पूरा डिज़ाइन बना हुआ दिखा देते हैं। इसीलिए हमने ये चैनल चलाया है कि हम साथ में सिखा भी सकें कि कैसे हम पेंटिंग कर सकते हैं आसानी से। हमारी जो भी वीडियो आएगी आगे भी, उसमें भी हम सिखाया ही करेंगे। हम पूरा डिज़ाइन दिखाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप हम ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। When I remember myself.